ये असली नहीं बल्कि नकली जादुई दंड है। परिलोक पर सुरक्षा कवच ना होने का फायदा उठाकर प्रचंडिका अपना जादुई दंड चुराने में कामयाब हो गई। सबसे पहले मुझे इस छोटे बालवीर को खोजना होगा। ये मानव महर उस तक पहुंचे, उससे पहले मुझे उस तक पहुंचना होगा। बुलंद तिजोरी में वो नटखट परी से नहीं प्रचंडिका से मिले थे, और हमने तो उसे समय यंत्र के साथ साथ बालवीर के शक्तिहीन होने की बात भी बता दी। हर बार तुम लोगों ने मुझे मात दी है, लेकिन इस बार बालवीर को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। आज के बाद तुम दोनों बाली को कभी देख नहीं पाओगे, कभी नहीं। प्रचंडिका रुक जाओ, प्रचंडिका तुम ऐसा नहीं कर सकते। बाल मित्र, बाल सखी, उठो। रानी परी ने हम पर भरोसा करके बालवीर की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमें दी थी, पर हम वो जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा पाए। बालवीर ने ना जाने हमें कितनी सारी मुसीबतों से बचाया, लेकिन जब हमारी बारी आई तब हम जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। बालसखी, बालमित्र, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप दोनों ने बेहतर कोशिश की बालवीर को ना बचा पाने में। हम सब बराबरी के जिम्मेदार हैं। नहीं रानी परी, अगर बालवीर को कुछ हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। बालसखी, बालमित्र, आप दोनों चिंता ना करें। ले लीजिए, जैसे ही आपकी ढाल ठीक हो गई है ठीक उसी तरह सच्चाई और अच्छाई के रक्षक बालवीर को भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि रानी परी अन्य परियों के साथ में प्रचंड लोग बालवीर को ढूंढने के लिए गई हुई है। वो सही सलामत बालवीर को ले आएंगे। क्या हुआ रानी परी, बालवीर का कुछ पता चला? नहीं बालमित्र, प्रचंड लोक में बालवीर हमें कहीं नहीं मिले, और प्रचंडिका का भी हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। हमें तो लग रहा है बालमित्र कि प्रचंडिका ने बालवीर को किसी अन्य गुप्त स्थान पर छिपा कर रखा। हमें बालवीर को पृथ्वी लोक पर भेजना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं बालवीर कहाँ होगा, किस हाल में होगा, क्या कर रहा होगा। बिना शक्तियों के वो प्रचंडिका का सामना कैसे कर पाएगा? हर समय यंत्र भी तो अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। अब तो हमारे पास बस एक ही उम्मीद बची है कि जल्दी से बालवीर की याददाश्त वापस आ जाए और वो अपने असली रूप में आ जाए। बाल परी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम अपने बालवीर को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। लेकिन परियों, बालवीर को ढूंढने से पहले हमें हमें प्रचंडिका को ढूंढना होगा। न जाने इस बार प्रचंडिका कौन सी नई चाल चल रही है। आज परियों के दो सबसे प्रिय बालवीर और पृथ्वी लोक का एक साथ अंत कर दूंगी, और पूरे विश्व में बुराई के नाम का डंका बजा दूंगी। ये क्या, इस मौसम में बरसात के काले बादल क्यों मंडरा रहे हैं?
जरूर कोई अनर्थ होने वाला है रानी परी। रानी परी वो देखिए प्रचंडिका और बालवीर। जरूर प्रचंडिका इन काले बादलों के जरिए विनाश की कोई नई चाल रचने जा रही है। रानी परी इससे पहले कि प्रचंडिका अपनी अगली चाल चले हमें बालवीर को तुरंत इसी वक्त उसे आजाद कराना होगा। हाँ बाल परी परियो हम एक साथ प्रचंडिका पर आक्रमण करें। हाँ रानी परी। ये कोई आम बादल नहीं है बल्कि परिलोक से चुराए हुए गरज बरज बादल है और इनमें मैंने अपनी पूरी शक्तियां भर दी है। अब मैं पृथ्वी लोक पर इनसे बुराई की बरसात करवाऊंगी और पृथ्वी लोक को हमेशा हमेशा के लिए बुरा बना दूंगी। नहीं प्रचंडिका तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। करूंगी ऐसा जरूर करूंगी लेकिन सबसे पहले खत्म करूंगी बालवीर को। बालवीर धरती पर बुराई की बरसात की पहली बूंद गिरने से पहले बल्लू कोई मुसीबत में। हे भगवान मेरा बल्लू जहां कहीं भी उसकी रक्षा करना। बालवीर रानी परी कुछ कीजिए। बालमित्र तुम अपनी ढाल से बालवीर की मदद कर सकते हो। हाँ बालमित्र जल्दी करो बालवीर को बचा लो। छोटा भाभी
अपने आप बालवीर कैसे बन गया? इस सब के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें प्रचंडिका के बनाए हुए इन काले बादलों को हटाना होगा, क्योंकि अगर हमने इन्हें नहीं हटाया बालवीर, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बालवीर, तुम्हें इस बार जीवित बच गए, इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। राय के बादलों पृथ्वी लोक पर बरसना शुरू कर दो। बादलों को रोकने का बस एक ही तरीका है। शाबाश बालवीर, बुराई के काले बादल टूट कर बिखरते जा रहे हैं, मुझे इन्हें रोकना होगा। इस तेज तूफान के कारण मैं अपने दंड का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रही हूँ। बहुत खेल लिया तुमने बुराई का खेल प्रचंडिका, अब मैं इस खेल का अंत कर ही देता हूं। बालवीर, बुराई को मसलना इतना आसान नहीं है। इस बार तो तुमने बुराई को मुट्ठी में बंद कर दिया, अगली बार मैं तुम्हें ऐसा मौका नहीं दूंगी। जब तक प्रचंडिका जीवित है, तब तक
बुराई भी जीवित रहेगी, याद रखना। ये क्या, मेरे बुराई के काले बादल टूट कर बिखरते जा रहे हैं, मुझे इन्हें रोकना होगा। इस तेज तूफान के कारण मैं अपने दंत का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रही हूँ। बहुत खेल लिया तुमने बुराई का खेल प्रचंडिका, अब मैं इस खेल का अंत कर ही देता हूँ। नहीं है, इस बार तो तुमने बुराई को मुट्ठी में बंद कर दिया। अगली बार मैं तुम्हें ऐसा मौका नहीं दूंगी। जब तक प्रचंडिका जीवित है तब तक बुराई भी जीवित रहेगी, याद रखना। बालवीर, अच्छा हुआ कि सही समय पर आपकी याददाश्त वापस आ गई, वरना अचानक हो जाता। याददाश्त वापस आ गई मतलब मैं अपनी याददाश्त खो चुका था, और समय यंत्र से मैं सीधा पृथ्वीलोक पर यहाँ कैसे आ गया? बालवीर, समय यंत्र में जाने के बाद आप काफी लंबे समय तक बच्चे बन गए। हम लोग कितने लकी हैं कि हमने बालवीर का बचपन देखा, और देखा ही नहीं बल्कि ये भी सीखा कि सच्चाई और अच्छाई का रक्षक बनने के लिए बचपन से ही मेहनत और अनुशासन के साथ बुराई के साथ लड़ने का हौसला होना चाहिए। नटखट परी, क्या आप मेरा एक निवेदन मानेगी? हाँ हाँ, कहिए। मैं चाहता हूँ कि आप अपने समय यंत्र की मदद से मुझे मेरे बचपन में वापस भेज दे। नहीं नहीं बालवीर, तुम्हारा बचपन जितना देखना था उतना देख लिया, अब और नहीं। महेश, मुझे बहुत चिंता हो रही है। स्मिता प्लीज, तुम रोना बंद करो प्लीज। स्मिता संभालो अपने आप को। देखो स्मिता, खामखा परेशान हो रही हो तुम, ये ऐसे सपने कभी सच नहीं होते हैं। लेकिन महेश। हाँ दादी, मोटा भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, सपने कभी सच नहीं होते। देखा, अगर सपने सच होते तो मोटा भाई ऐसे गंजे होते, टकले टकले ना दिन, नहीं तो फिर ऐसे बूढ़े की तरह चलते, ये बेटा करते, और नहीं तो ऐसे भालू की तरह खूब सारे बाल होते। रॉकी, तू रोज मेरे बारे में किस तरह के सपने देखता है? सॉरी स्मिता, स्मिता तुम देखो। महेश, मुझे वाकई में बहुत चिंता हो रही है, कहीं बलू। कुछ नहीं होगा स्मिता। क्या हुआ माँ, आप इतने परेशान क्यों? पापा ने कुछ कहा क्या? ए उबाई, वो मैंने कुछ नहीं कहा है, वो तेरी मम्मी ने है ना बहुत बुरा सपना देख लिया, इसलिए बेचारी बहुत ज्यादा उदास हो गई है। माँ, बलू, बलू, बलू तो ठीक था ना बेटा? तुझे पता है मुझे तेरी कितनी चिंता हो रही थी। बेटा बलू, तेरी माँ ने बहुत बुरा सपना देखा, ऐसा देखा कि तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा है, बहुत चिंता कर रही थी तेरे बारे में। अरे नहीं माँ, मैं तो चाचा के वहाँ गया था, उनकी तबीयत बिगड़ गई थी इसलिए। तो अब कैसी है तेरे चाचा की तबीयत? अभी ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। की कोई बात नहीं है, एक बार घर पे फोन तो कर देता, तुझे पता है घर पे सब लोग कितना चिंता कर रहे थे तेरे बारे में। पक्का अगली बार याद रखूंगा। बल्लू, तू ना सचमुच में एक बहुत बड़ा लल्लू है, पता नहीं तेरा क्या होगा। अरे मैं तुम्हारे वो दोस्त का भाई का है छोटू। बल्लू, तू उससे मिलता ना तो तुझे बहुत अच्छा लगता, बिल्कुल तेरी छवि है। वो माँ, वो अपने घर चला गया।
हंस रहा है? वो मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मैं अगली बार से सबको बता के जाऊंगा और जाने के बाद एक बार फोन भी कर दूंगा, इसलिए। अगर तू ऐसे ही गायब हो गया ना और फोन नहीं किया ना तो मैं तुझे पीट दूंगी। अरे नहीं नहीं, आज के बाद बिना बताए नहीं जाऊंगा, और नहीं बता पाया तो जाने के बाद एक बार फोन कर दूंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.